Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप सब। तो guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Samsung Galaxy S10 10 वर्जन में किस तरह से रूट कर सकते हैं। तो मेरे पास Galaxy S10 Plus है, आप S10 को भी कर सकते हैं रूट और A50 को भी कर सकते हैं। जिस भी Samsung फ़ोन में आपका Android वर्जन 10 है तो उसको आप बड़ी ही आसानी के साथ इससे रूट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखा दूँ, ये मेरा Android जो वर्जन है इसके अंदर 10 है। तो गाइज, अगर आप सच में अपने Samsung Galaxy S10 को रूट करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी। इसमें ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल है, मैं पूरा दिन इसके ऊपर काम करता रहा तब जाके मैं इस मोबाइल फ़ोन को रूट करने में कामयाब रहा, और फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर अपलोड की जाए। तो गाइज, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पर इसका जो बेसबैंड वर्जन है ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है। जो मेरा मॉडल है G975FXXU, तो U4 मतलब बैनरी 4 है। अगर आपका U1 है, U2 है या U3 है तो वो डाउन बैनरी वाले हैं, वहाँ उसमें आप बड़ी आसानी के साथ एंड्रॉयड 9 वर्जन करके भी रूट कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाला जो वर्जन है, बैनरी है, ये लेटेस्ट बैनरी है गलेक्सी S10 प्लस में, और इसमें एंड्रॉयड वर्जन डाउनग्रेड नहीं हो सकता। इसमें एंड्रॉयड वर्जन 10 ही रहता है, 10 या उससे ऊपर वाले वर्जन इसमें आप फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन इससे डाउनग्रेड वर्जन इसमें नहीं कर सकते, और इसीलिए इसको रूट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ये तकरीबन कुछ दिन पहले ही, अभी जो मैं इसमें वर्जन यूज़ कर रहा हूँ एंड्रॉयड का, ये इसी मंथ के स्टार्ट में या फिर मिडल में रिलीज़ हुआ है। तो इस वक्त ये बिल्कुल लेटेस्ट इनकी अपडेट है और इसको रूट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप मेरा एक एक स्टेप फॉलो करें तो आप इस फ़ोन को आसानी से रूट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अपना वाईफाई लगा लेना है और टाइम एंड डेट को भी सेट कर लें, और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर जाना है और बुलेट नंबर को 5 बार टैप करना है तेज़ी तेज़ी से। तो फिर 5 बार टैप करने के बाद आपने क्या करना है, बैक आ जाना है, फिर से बैक आना है, और नीचे देखेंगे एक और ऑप्शन आया होगा, डेवलपर ऑप्शन। आपने इस ऑप्शन को ओपन करना है और OEM अनलॉकिंग जो है वो ऑन कर लेनी है। अगर आपकी ये शो नहीं हो रही तो आप वाईफाई लगाएं, ऑटोमेटिक टाइम एंड डेट को अनचेक करके सारा कुछ रिमूव करके दोबारा से आप यहाँ पर आएंगे तो ये शो होगी। नीचे आएँ और USB डीबगिंग को भी ऑन कर लें, ठीक है। ये दोनों काम आपने करने हैं लाजमी। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ कर लेना है इस तरह से। तो गाइज, मोबाइल फ़ोन को ऑफ करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ स्टेप हैं वो फॉलो करने हैं। अपने USB केबल को लैपटॉप या PC के साथ कनेक्ट कर लें, और यहाँ पर इसका एक वॉल्यूम डाउन बटन है और एक बिक्सरी की इसे कहते हैं, ये दो बटन है, आई डोंट नो इसका सही नाम। इन दोनों बटन्स को प्रेस कर लेना है, जो वॉल्यूम डाउन के नीचे वाला बटन है, जैसे ही आप प्रेस करेंगे और केबल को इंसर्ट कर देना है तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो गाइज, यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, आप छोड़ दें, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल सा मैं आपको बता दूँ, वॉल्यूम अप बटन को तकरीबन आपने प्रेस करके रखना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये इसका बूट लोडर जो है वो अनलॉक हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी अनलॉक है तो यहाँ पर है, वॉल्यूम अप के बटन को दबाएंगे तो ये दोबारा से बूट लोडर मेरा लॉक हो सकता है। सो आपका फैक्ट्री डाटा भी रीसेट हो जाएगा। इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप अपना डाटा इसमें से निकाल लें अगर वो ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप इसका बूट लोडर अनलॉक कर लें। अभी मैंने ऑलरेडी बूट लोडर अनलॉक किया हुआ है तो मैं नो करूँगा, मतलब वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके रखूँगा। ओके, तो अब ये मेरा फ़ोन रीस्टार्ट होने लगा है। बूट लोडर अनलॉक होने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये शो होगा, डोंट वरी, ये बूट लोडर अनलॉक होता है तब शो होता है। तो उसके बाद हमें इसको ऑन होने का वेट करना है मोबाइल फ़ोन का। तो गाइस, जैसे ही आपका मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाएगा आपने इंसर्ट कर लेनी है USB केबल लैपटॉप के साथ, और लैपटॉप में आ जाएंगे। लैपटॉप के अंदर आपको हम मोबाइल फ़ोन को ओपन कर लेना है, डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाने के बाद यहाँ पर
एक एप्लीकेशन होगी जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा मजेस की, ये डाउनलोड कर लें, और उसके बाद मैंने एक और इसकी फ्लैश फाइल दी होगी, ये डाउनलोड कर लें। तो गाइस इसमें आपने क्या करना है, एपी की जो फाइल है इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन के अंदर। उसके अलावा जो मजिस्क होगा इसको भी आपने कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, ठीक है, ये दोनों काम आपने कर लेने हैं। कॉपी थोड़ी सी हैवी फाइल है तो कॉपी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गाइस फाइल जब जैसे ही आपकी ये कॉपी हो जाएगी, आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने मोबाइल फ़ोन में यहाँ माई फाइल्स में। माई फाइल्स में जाने के बाद यहाँ हमने जिस लोकेशन पे ये फ़ाइल कॉपी करके रखी है डाउनलोड्स में, अभी वो फ़ाइल कॉपी हो रही है तो मजिस्क आ गया है, तो मैं मजिस्क को ओपन करता हूँ और इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा मजिस्क नॉट इंस्टॉल्ड, मजिस्क इज नॉट इंस्टॉल्ड। तो गाइज हमने यहाँ सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है, इंस्टॉल पे जाना है, सेलेक्ट पैच एंड फाइल पे जाना है, इसको अलाउ कर देना है और उसी लोकेशन पे जाना है जहाँ पर हमने एपी की फ़ाइल रखी। फिल वक्त तो हमें सामने ही नज़र आ गई, तो हमने इस एपी की फ़ाइल को टैप करना है और ऊपर से स्लाइड करके देखेंगे ये होना स्टार्ट हो गया है, ये डाउनलोड, ठीक है। तो गाइज जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा पूरी तरह से, तो अब आप देखिए यहाँ पर फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ ये तकरीबन 2 मिनट लेता है पूरी तरह से फ्लैश होने में और इंस्टॉल होने में, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइस जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा हमने इसको सेव कर लेना है। ओके, सेव करने के बाद हमने वापस आ जाना है और वापस आने के बाद हमने वही लोकेशन पे दोबारा जाना है, मोबाइल फ़ोन को ओपन करना है, मोबाइल फ़ोन को पीसी के थ्रू। तो ये हमें एक पैच फाइल बनाकर इसने दे दी। तो गाइज हमने इस पैच फाइल को कॉपी कर लिया। पैच फाइल को कॉपी करने के बाद मैंने ऑलरेडी यहाँ पैच फाइल पेस्ट करके रखी है, ये फ़ाइल आ गई, ठीक है, इसको मैं फिर इसमें डाल देता हूँ। तो गाइज अब हमने मोबाइल फ़ोन को पूरी तरह से पावर ऑफ कर देना है। ओके, पावर ऑफ करने के बाद आपने वॉल्यूम डाउन और ये उसके नीचे वाली जो की है, ये वाला बटन, इसको प्रेस करना है। इन दोनों बटन्स को प्रेस करने के बाद यूएसबी केबल को इंसर्ट कर लेना है। ओके, तो ये आ गया, तो कंटिन्यू करना है और डाउनलोड मोड में चला जाएगा। तो एक और लिंक दिया होगा मैंने ओडिन का नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आपने ओडिन डाउनलोड कर लेना है। ओडिन को ओपन करते ही ये ओडिन का ऐप है, इसको ओपन करें, ओके कर दें, एपी में जाए, जो पैच फाइल हमने बनाई थी आपने एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे जाना है। मैंने डेस्कटॉप पे रखी है और ये आ गई मेरी पैच फाइल। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, पैच फाइल को अटैच करवाने के बाद ऑप्शन में जाना है, ऑटो रिबूट को अनटिक कर देना है। ओके, अब हम फ्लैशिंग स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस ये हमारा जो मोबाइल फ़ोन है ये फ्लैश होना स्टार्ट हो गया है। तो ये तकरीबन यहाँ पर 3-4 मिनट्स लेगा फ्लैश होने में, तो तब तक हम वेट करते हैं। और गाइस जैसे ही आपका मोबाइल फ़ोन फ्लैश हो जाएगा, तो यहाँ पर एक कम्बो है आपने लगाना होगा और बड़े ही ध्यान से और बड़े ही गौर से ये देखना है। गाइस मैं क्या करूँगा, मैं पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों एक साथ पहले प्रेस करूँगा, ठीक है। जैसे ही ये मोबाइल फ़ोन ऑफ हो जाएगा तो मैं ये दोनों बटन छोड़ के वॉल्यूम अप और ये जो नीचे बैकस्ट्रे की है इसको प्रेस कर लूँगा, ठीक है। जैसे ही मोबाइल फ़ोन बूट अनलॉक लोगो पे आएगा, तो लोगो से होकर जैसे ही गुजरेगा मैं सारे बटन छोड़ दूँगा लेकिन वॉल्यूम अप को नहीं छोड़ूंगा। तो मैं भी यहाँ पर गलती कर लूँ और आप भी ध्यान से, ये बड़ा सेंसिटिव है और ये हमें लाजमी करना है, ठीक है। तो रेडी, ओके, सो हमने कर लिया। तो गाइस ये करने के बाद आपके पास ये आप आ जाएंगे रिकवरी मोड में। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। अभी शायद आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा। तो अब गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन को जो है वो रीसेट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर नीचे वॉल्यूम
डाउन के बटन को प्रेस करें, नीचे आएँ और ये वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट के ऊपर आ जाएं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने अपने वॉल्यूम पावर बटन को प्रेस करना है और फैक्ट्री डाटा रीसेट ओके कर देना है। ओके गाइज, यहाँ पर भी एक कम्बो लगाना है आपने, ठीक है। जैसे ही मैं रिबूट सिस्टम फर्स्ट पे है वॉल्यूम सॉरी ये पावर बटन को प्रेस करके छोड़ूंगा, वैसे ही इकट्ठे जो है मैं ये बैटरी की और वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन एक साथ प्रेस कर लूँगा जब तक ये बूट लोडर अनलॉक लोगो होकर नहीं गुजरेगा। तो रेडी स्टार्ट। ओके, इस तरह से आपने छोड़ देना है। तो अब इसको ये कुछ लिखा आ रहा है, इसका मतलब यही है कि आपने इसके अंदर फ्लैश की है ये रॉम, कस्टम रॉम और बूट लोडर अनलॉक होने की वजह से ये आ रहा है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और अब ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा। तो गाइज, अब सैमसंग लोगो पे आ गया ये फ़ोन और यहाँ पर थोड़ा सा तकरीबन 5 से 7 मिनट लगाएगा, तो हम वेट करते हैं मोबाइल फ़ोन के ऑन होने का। तो तब तक के लिए मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो गाइज, मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया है, तो अब हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के बाद गाइज वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है। गाइज, वाईफाई कनेक्ट करने के बाद बैक आ जाना है और फिर से बैक आना है और सबसे नीचे चले जाना है अबाउट में। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है, बुलेट नंबर को 5 बार टैप करना है, बैक आ जाना है, बैक आना है और डेवलपर ऑप्शन में जाना है। तो OEM अनलॉक ऑन है और उसके बाद USB डीबगिंग को भी ऑन कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम बैक आ जाएंगे और बैक आएंगे, सारा कुछ क्लोज कर देंगे और जो एप्लीकेशन में जिसकी थी लैपटॉप के अंदर ये, तो इसको हम दोबारा से कॉपी कर लेंगे या फिर आप लेटेस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं जाकर। तो ये यहीं पे डाउनलोड पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, या फिर आप मुझे इसकी साइट पे जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेस्ट करने के बाद गाइज, अब हम जाते हैं मोबाइल फ़ोन की माई फाइल्स में, अलाउ कर देते हैं ये आगे मजिस्क, सेटिंग में जाता है जाना है और अलाउ कर देना है। तो अलाउ करने के बाद बैक आ जाना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। ओपन, ये कुछ लिखा आया है कि आप रिक्वायर एडिशनल सेटअप जो है वो इंस्टॉल करें, ओके कर देते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं दोनों जगह पे टिक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो रूट हो चुका है, तो इसको होने देते हैं। गाइज, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो मोबाइल फ़ोन जो है वो रिबूट होगा आपका एक बार। और गाइज, देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन हमारा पूरी तरह से रूट हो चुका है, एंड्रॉयड 10 वर्जन है। यहाँ मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो ये एंड्रॉयड 10 वर्जन हमने रूट कर लिया। तो गाइज, ये था रूट का मेथड और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो गाइज, फिर ये थी हमारी आज की रूट की वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।